या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह के नारा से जिसको प्यार है, बोलिए सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह के नारा से जिसको प्यार है और जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार है। मैं तो अकेला ही चला था, मैं तो अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनकर गया और आला हजरत सरकार इरशाद फरमाते हैं कि निसार तेरी चहल पहल पर, सुभान अल्लाह, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल सिवाय इबलीस के जहां, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं, सिवाय इबलीस के सभी तो खुशियां मना रहे हैं और हश्र तक डालेंगे हम, पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नजद के कलए गिराते जाएंगे और आग हो जाए आदू जलकर मगर हम तो रजा, हाथ हो जाए आदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। फरमाइश के मुताबिक सबसे पहले दो से तीन शेर मोहब्बत के साथ समाप्त कर लें, इसलिए कि इस नौजवान कमेटी जिसका नाम अंजुमन गुलामाने मुस्तफा है, इसकी बुनियाद मैंने नहीं रखी है बल्कि आप लोगों ने रखा, और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी जब इब्तिदा हुई थी तो कहां से हुई थी सलीम भाई? एक साहब ने कहा मेरी जारी से शिविर का मस्जिद का माइक जिंदाबाद, अल्हम्दुलिल्लाह तब चंद लोग थे, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह ये काफी तरक्की की तरफ बढ़ता जाता है, और इंशाअल्लाह ताला अगर आपकी मोहब्बत यूं ही सलामत रहेगी तो इंशाअल्लाह ताला ये परवान ही चढ़ता जाएगा, और इंशाअल्लाह ताला अगर जिंदगी ने वफा किया तो यहाँ से लेकर के बाबा के आस्थाने तक इंशाअल्लाह रोशनी का इंतजाम साले आइंदा होगा, बोलिए इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आप हजरात के जज्बे मोहब्बत को सलामत रखे और इन नौजवानों के कमाई में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए, इन नौजवानों के हौसला अफजाई के लिए चंद जुमले कहना बेजा ना होगा, इसलिए अगर इन नौजवानों ने अपने कदम को आगे बढ़ाया है तो इसमें आपकी मेहनत शामिल है, आप इनके बाजू हैं, आप इनकी ताकत हैं, ये आपके गोद के पले हुए बच्चे हैं, बल्कि ये अपनी नस्लों को दर्श दे रहे हैं, हे मेरे औलादों अगर मैं रहूं या ना रहूं, मेरे ना रहने के बाद भी यूं ही जश्न ईद मिलाद उन नबी मनाते रहे, और इंशाअल्लाह ताला बाप के नक्शे कदम पर बेटा चला करता है। मोहब्बत के साथ आप रात दो तीन शेर समाप्त कर लें, उसके बाद आप रात के रूबरू मताए कहलो नाम शायरे खुशफिक्र जनाबे मोहतरम मौशाद साहब कप्तान गंजवी जो बस्ती की सरजमीन से चल करके तशरीफ लाए हैं, उनका उनकी बेहतरीन नात होगी जो अच्छी आवाज के मालिक हैं, और उससे पहले आप रात को जनाबे मोहतरम वाली जनाब इरफान निजामी साहब जो खलीलाबाद की सरजमीन से चल करके आपकी दयारे मोहब्बत में तशरीफ लाए हैं, इससे पहले भी आप रात में समाप्त किया है, इंशाल्लाह आज भी भरपूर अंदाज में इन दो मद्दाहाने मुस्तफा को आपको समाप्त करना है, और आखिरी
किताब जो होगा वाइज़े हक बयान आलमी नौजवान फाजले जलील हजरत अल्लाह मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सलीम साहबुल्लाह मिसबाही जो प्रतापगढ़ की सरजमीन से चल करके आपके प्यारे मोहब्बत में पहली मरतबा तशरीफ लाए। इंशाल्लाह हजरत का बयान होगा, आपका दिल बाग बाग होगा। ये बूढ़े जो है बेचारे, ये खुद चल नहीं पा रहे थे लेकिन दूसरे का सहारा लेकर के मिलाद मुस्तफा में पहुंच गए हैं। और औरतों को भी मैंने देखा जो चल नहीं पा रही थी, वो दूसरे का सहारा लेकर के मिलाद की महफिल में आज तशरीफ फरमा है। अल्लाह ताला अपने प्यारे हबीब के सदके में तमामी मुसलमानों को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए और अंजुमन गुलामान मुस्तफा नौजवान कमेटी को दिन ब दिन तरक्की अता फरमाए। मोहब्बत के साथ एक मौका और झूम झूम कर दुरूद शरीफ पढ़े अल्लाहुम्म सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद माजली जूदी व करम वाली इकराम नबी करीम वाली वाली सल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैहि के रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप हजरात पढ़ेंगे ना इंशाल्लाह। हम लोगों की आदत ये होती है कि मदरसे में रहते हैं तो बच्चों को पढ़ाते हैं और जब मिलाद की महफिल में जाते हैं तो उनके माँ बाप को पढ़ाते हैं। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि ये इल्म की बरकत। तो मोहब्बत के साथ